गणेश दिवस सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। साहूकार ने व्यक्ति को कार से कुचला, 71,578 करोड़ का बकाया बिल। एयरपोर्ट में लाख से ऊपर पहुंचे यात्री। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। ब्याज पर दी रकम न लौटाने को लेकर एक साहूकार इतना नाराज हुआ कि उसने अच्छे खासे व्यक्ति को अपनी कार से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। वर्धा में वारदात को अंजाम देने के बाद वह भागकर नागपुर आ गया। खुद को बड़े ही बेहतरीन तरीके से गिरिपेट स्थित अपने फ्लैट में बंद करके पुलिस को घंटों तक चकमा देता रहा, लेकिन मोबाइल फोन ने उसे फंसा दिया। गुरुवार सुबह करीब 6 बजे उसे गिरफ्तार करके वर्धा पुलिस के हवाले कर दिया गया और उसकी कार भी जब्त कर ली गई। आरोपी रवि उर्फ शैलेश गणेश एल ने बताया गया है, जबकि मृतक वर्धा निवासी शंभू देवराव सोनगढ़े है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शंभू की पत्नी ने किसी सहेली के माध्यम से रवि एलने से 5,000 रूपए ब्याज पर उधार लिए थे, जिसमें से 3,000 रूपए लौटा दिए थे, लेकिन बाकी 2,000 रूपए के लिए रवि और शंभू के बीच विवाद चल रहा था। बुधवार की रात वर्धा पहुंचे रवि ने इसी बात पर विवाद किया। उसने गुस्से में आकर गाड़ी के सामने खड़े शंभू को कार से कुचल दिया। शंभू ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अगली खबर, ग्राहकों द्वारा बिजली बिल नहीं चुकाने के चलते महावितरण की आर्थिक हालत दिनों दिन और खस्ता होती जा रही है। कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार राज्य भर में 71,578 करोड़ रुपए के बिजली बिल के ग्राहकों पर बकाया है। कंपनी की ओर से अपील की गई है कि नियमित रूप से ग्राहक बिलों का भुगतान करे, क्योंकि यह उनका कर्तव्य भी है। जितनी बिजली का वे उपयोग करते हैं उन्हें नियमित चुकाना चाहिए। कंपनी पर बिजली खरीदने, पारेषण खर्च और विविध कर्ज की किस्त चुकाने का करोड़ों का दायित्व है, और अगर ग्राहकों ने ईमानदारी से बिलों का भुगतान नहीं किया तो महावितरण का अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। महावितरण द्वारा मर्क द्वारा निर्धारित दर से ही बिजली बिल की वसूली की जाती है। अगली खबर, भले ही कोरोना का भय लोगों के मन से पूरी तरह गया, लेकिन कामकाज के सिलसिले में लोगों का आना जाना काफी बढ़ गया है। व्यापारिक गतिविधियां बढ़ने का लाभ अब एयरपोर्ट पर बढ़ते यात्रियों के रूप में देखने को मिल रहा है। हवाई यात्रा करना लोग काफी पसंद कर रहे हैं, चाहे पर्यटन की बात हो या फिर बिजनेस की। हवाई सफर अब पहली पसंद बनता जा रहा है। नागपुर की बात करें तो यहां से औसत 28 फ्लाइट्स रोज आती है और इतनी ही टेक ऑफ करती है। नवंबर तक केवल डोमेस्टिक फ्लाइट ही संचालित हो रही थी। इसके बाद भी नागपुर एयरपोर्ट से 1,15,141 लोगों ने देश के विभिन्न शहरों के लिए नवंबर के बीच यात्रा की। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।